रेलवे स्टेशन पर। और ये देखो भाई, रेलवे स्टेशन से व्यू देख लो तुम लोग। जब यहाँ की टनल बन रही थी ना, उसने ऐसी टनल बनाई कि वो टनल खुली ही नहीं कहीं को भी नहीं। और क्या मैजेस्टिक व्यू है भाई यहाँ से, देख लो तुम। मोर देन 100 टनल्स हैं, छोटे बड़े सब मिला के। और ये जो लॉन्गेस्ट टनल है वो तो जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भारत भ्रमण के एपिसोड 17 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निर्मित शर्मा और आप लोग देख रहे हैं निर्मित के व्लॉग्स। फिलहाल जिस स्टेशन पे मैं हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही होगी भाई। और मतलब बोलने में नहीं बन रहा, मेरे कान बंद हो चुके हैं। तो कान बंद होने से तुम्हें पता ही चल गया होगा कि मैं पहाड़ों पे आ चुका हूँ। फिलहाल हम जिस स्टेशन पे, इसको कालका कहा जाता है, कालका जंक्शन। और यहाँ से हम बोर्ड करने वाले हैं टॉय ट्रेन, और वो टॉय ट्रेन हमें छोड़ेगी शिमला। और ये टॉय ट्रेन तुमने रील्स वील्स में देखी होगी, तो एक्सपीरियंस करनी ज़रूरी थी। इस वजह से हम यहाँ से टॉय ट्रेन लेके शिमला जाने वाले हैं। या तो हम डायरेक्टली शिमला भी सकते थे, बट हमें लगा कि यार एक्सपीरियंस है भाई, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर खड़ी है हमारी कहीं टॉय ट्रेन। हमने जनरल का टिकट बुक कर लिया है, रिजर्व करके भी जा सकते हैं। आई डोंट नो रिजर्वेशन करके कितने का टिकट बनता है, बट जनरल का 50 रुपये का टिकट बना है टॉय ट्रेन का, शिमला तक का शायद। हम बोर्ड करने वाले अपनी ट्रेन चल के आगे को, और तुमको दे रहा तड़कता भड़कता सब लोग, लेट्स गो गाइस। ये लो भाई, तुम सुबह सुबह आओगे यहाँ पे, तुमको बहुत सारी टॉय ट्रेन दिख जाएंगी। देखो 1, 2, 3, इसके साइड में भी एक और खड़ी है, तो 3, 4, 5, 6 तो यहीं मिल जाएंगी तुमको। बाकी क्या क्रेजी सा ये रेलवे स्टेशन है, तुम देख ही सकते हो उधर से कितना सुंदर दिख रहा है। हमारी कहीं हॉर्न है भाई, चढ़ जाते हैं कहीं कहीं, हम दोनों नीचे ही रह जाएंगे। इस ट्रेन चल चुकी है, ट्रेन चल चुकी है कालका से शिमला के लिए। फिलहाल दे सकते हो तुम, इस डायरेक्शन में चल रही है। बाकी जो नज़ारा है भाई यहाँ से पहाड़ों का, ट्रेन से पहाड़ों का नज़ारा मैं पहली बार देख रहा हूँ। Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. तो भाई चलते चलते एक छोटा सा ब्रेक लिया है ट्रेन ने, कोटी करके स्टेशन है। और क्या मैजेस्टिक व्यू है भाई यहाँ से, देख लो तुम। मतलब बारिश भी हो रही है, धूप भी निकल रही है, और तुम्हारा भाई बारिश में भीगने के लिए नीचे उतर गया है स्टेशन पे। और तुम्हारा भाई नीचे उतर गया है। लेकिन भाई एक चीज तो है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन थोड़ा सा ही चले हैं तो लगता ही है मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, बट धीरे धीरे चलती है तब मजा नहीं आता, थोड़ी तेज चलनी चाहिए। और ये है मिस्टर असिस्टेंट प्रोफेसर, कौन सी यूनिवर्सिटी में? पूर्वांचल विश्वविद्यालय। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सर मिले हैं हमें, मस्त रील्स बना रहे थे, टिकटॉक जैसी बना रहे थे, तो मैंने बात कर ली, तो फिर बताया कि मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं तो भाई भाई करके बात कर रहा हूँ, मैंने कहा सर। अरे नहीं भाई पता नहीं अभी कब चलेगी, बट बारिश हो रही है, तुम देख ही सकते हो मेरे स्पेक्स पे पानी। भैया थोड़ा लंबा हॉल्ट ले लिया ट्रेन वाले भैया ने, ड्राइवर भैया ने, यहीं पर खड़े हुए। अभी हल्की हल्की सी बारिश और हो रही है, मज़ा आ रहा है। पर भाई थोड़ा बाल मैंने कटवा लिए थे, तुमने लास्ट व्लॉग में बड़े देखे होंगे, पर मैंने कटवा लिए थे, इरिटेशन हो रही थी। जब बरसाने गया था ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो 2-3 दिन का ब्रेक ले लिया मैंने वहाँ पे जाके फिर भाई, और फीवर हो गया था 102, तो इस चक्कर में फिर मैंने ब्रेक लिया। और अब हम वापस से कंटिन्यू करते हैं, और बाल भी कटवा लिए, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी बालों से। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
भाई एक छोटा सा हॉल्ट और लिया था हमारी ट्रेन ने, तो उस हॉल्ट में हमने चाय ले ली क्योंकि नींद आ रही थी बहुत तगड़ी, और मेरे दोनों कान ऐसे बंद हो गए हैं मुझे खुद ही की आवाज़ नहीं आ रही भाई बिल्कुल भी। ये लो भाई एक और खूबसूरत रेलवे स्टेशन पे रुक गए हैं हम, और शायद यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हॉल्ट है इस वजह से भूख लग रही है, तो यहाँ पर समोसा वमोसा कुछ ले रहे हैं क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, चाय पी है बस एक कप। और मिस्टर नीतीश शूट करके आ रहे हैं, ये देखो भाई बारिश का मौसम भी हो रहा है यहाँ पे, बारिश रुक चुकी है बस अभी, और यहाँ खाते हैं कुछ। लेट्स गो देने बड़ोग स्टेशन पे भाई 30 रुपए प्लेट मिला हमको, 30 के समोसे 30 की एक प्लेट। ये जो बड़ोग है ना इंजीनियर के नाम पे पड़ा था, और उसने एक बहुत बड़ा खतरनाक सीन कर दिया था, जब यहाँ की टनल बन रही थी ना उसने ऐसी टनल बनाई कि वो टनल खुली नहीं कहीं को भी, बीच में ही बनती वो टनल। फिर मतलब होता है क्या है, जब टनल बनता है तो कैसे बनता है, एक तरफ से बनता है और फिर निकल जाता है। हाँ। उसने बनाना स्टार्ट करा दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से जब बनाना स्टार्ट करा उसका मुंह मिला ही नहीं, सोच ले। तब उसके उस पे ना अंग्रेज सरकार ने 1 रुपए की पेनल्टी लगाई, और जो वो पेनल्टी लगाई ना तो उसे सदमा लग गया और वो सह नहीं पाया, खत्म मर गया वो। 1 रुपए की पेनल्टी थी और वो मर गया, तभी इस स्टेशन का नाम बड़ो हो गया, गांव का नाम भी बड़ो हो गया, उसकी समाधि भी यहाँ पे बनाई हुई है। ये सीन है भाई यहाँ का। ये अच्छी स्टोरी थी भाई, ये मेरे को नहीं पता थी, अच्छा हुआ इसने बता दी। बड़ोग लिखा भी है देखो इधर, ये देखो अभी चल रहे हैं इसको खाते हैं फिर निकलते हैं, लेट्स गो। और बाकी नज़ारे तो तुम इन्जॉय कर ही रहे होगे, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। सवारी वापस निकल चुकी है दोस्तों, भाई धूप निकल गई है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सुबह से, अब धूप निकली है तो जान में जान आई है। और अभी लॉन्गेस्ट टनल आने वाला है जिसमें मैं तुमको दिखाने वाला हूँ, दिखेगा तो कुछ नहीं अंधेरा आएगा, पर फिर भी दिखा दूंगा। मोर देन 100 टनल्स हैं छोटे बड़े सब मिला के, और ये जो लॉन्गेस्ट टनल है वो आने वाला है 1 किलोमीटर के करीब का टनल है, वो दिखाऊंगा तुम लोगों को, मजा आ जाएगा भाई। बाकी भाई अंकल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बेटा चहल में मिलिट्री स्कूल में पढ़ता है, प्रोफेसर साहब तो है ही हमारे साथ, हमें ज्योग्राफी हिस्ट्री सब पढ़ा ही रहे हैं। अच्छा लगता है जब ऐसे घूमते हैं और अलग अलग लोगों से बात होती है, और कोइंसिडेंस की बात यह है कि ये लोग भी यूपी से ही हैं, बनारस से हैं दोनों। भाई सोलन के स्टेशन पर रोक लिया है ड्राइवर भाई साहब ने, देखो यहाँ पर हमें नहीं उतरना, हम तो सीधा शिमला चलेंगे भाई। अब प्रॉपर धूप निकल रही है तो थोड़ा सुकून मिला, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो भाई 2 मिनट का स्टॉप और ले आए यहाँ पर, कौन सा स्टेशन है, सलोगरा स्टेशन पर, हाइट अबव सी लेवल इज 1509, और यहाँ पर भी तुमको फ्री वाईफाई देखने को मिलता है, यहाँ पर फ्री वाईफाई लगा हुआ है, यूज़ तो नहीं कर रहे हम फ्री वाईफाई, हम पे तो है अपना नेट, क्या कर सकते हैं, बट जहाँ पर भी जाओगे तुमको बहुत ही प्यारा सा व्यू देखने को मिलेगा यहाँ पर। बाकी पहाड़ों के बीच से निकलती हुई ट्रेन का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन बोर हो जाते हैं भाई जब ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा ना ऐसी में, तो बोरिंग से लगने लगता है। मैं तो सो भी गया था बीच में, फिर अब धूप निकली, चाय पी, थोड़ी हालत ठीक हुई क्योंकि अभी भी मैं फीवर से रिकवर कर रहा हूँ ना, रिकवरी का फेज बहुत टायरिंग होता है, इस वजह से अच्छा लगा आपसे मिल गए, बहुत मुझे भी अच्छा लगा, टाइम का पता ही नहीं लगा। अंकल का स्टॉप आ गया और अंकल हमसे बैठ के यहाँ पर बात कर रहे थे। भाई बहुत देर के इंतज़ार के बाद पूरे 6-7 घंटे ट्रैवल करके, मतलब कालका से शिमला ट्रैवल करके 6-7 घंटे हम पहुंच गए शिमला रेलवे स्टेशन पर। और ये देखो भाई रेलवे स्टेशन से व्यू देख लो तुम लोग, क्रेजी क्रेजी व्यूज़।
बट हमारे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया क्योंकि पुरानी दिल्ली से कालका भी हम ट्रेन से आए थे 6-7 घंटे का सफर करके, फिर सुबह हमने कालका से शिमला की भी ट्रेन कर ली टॉय ट्रेन एक्सपीरियंस करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। अभी जा रहे हैं होटल वोटल ढूंढते हैं। मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो रखी है फिलहाल क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है और मेरे दोनों कान बिल्कुल बंद हैं, मैं खुद को ही नहीं सुन पा रहा, इस वजह से एनर्जी थोड़ी लो है। खाऊंगा पीऊंगा थोड़ा फ्रेश व्रेश होऊंगा तो सही होएगा सिस्टम। अब यहाँ पर एक शॉप है उससे देखता हूँ कुछ चाय वाय मिलती है। तो ये जो स्टेशन है ना भाई, ये एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो जितने भी स्टेशन पर मैंने ट्रैवल किया है अभी तक, जो बिल्कुल मूवी जैसा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि अब हम मूवी में है भाई किसी। तो देखो भाई पहाड़ ही पहाड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गई है वैसे पहाड़ों पे भी, तुम देख ही सकते हो कितने ज़्यादा बिल्डिंग भाई, 8-8 माले की भी बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पर पता शिमला में। बाकी पहाड़ वहाड़ देख सकते हो, उसके बाद ये बिल्लू सांडा को देख सकते हो, उसके बाद ये भाई उसके बाद भाई ये स्टेशन देखो तुम, क्या क्रेजी स्टेशन है भाई। दोस्तों वापस से वही किस्सा शुरू हो गया है होटल ढूंढने का, जा रहे हैं होटल ढूंढने के लिए हम। सावधानी से चलना पड़ता है इन रोडों पे, कोई कहीं पे भी चला देता है भाई इधर, तो थोड़ा डर के ही चलो तो बढ़िया है। धूप निकल गई है बहुत कड़ी, सुबह तो ठंड लग रही थी अब धूप से गर्मी लगने लग गई है। मॉल रोड की तरफ वॉक कर रहे हैं, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, फिर वहाँ पे जाके होटल चेक करेंगे जो मिल जाए बजट में तो बढ़िया भाई।